जिला सोलन के गांव दीप के जंगल में करीबन 10 लोग शिकार पर निकले थे। शिकार करने के दौरान 10 लोग जंगल में अलग अलग टोलियों में शिकार की घात लगाए बैठे थे, तभी एक शिकारी ने गोली चलाई और वह गोली शिकार कर रहे अन्य शिकारी की पीठ को चीरते हुए छाती से आर पार हो गई, जिसकी वजह से शिकारी वहीं ढेर हो गया। गोली चलाने के बाद शिकारी घटना के बाद से गायब था, जिसे पुलिस ने बाद में धर दबोचा। फिलहाल पुलिस घटना के आरोपी से जुड़ी पूछताछ कर रही है। 56 वर्षीय मृतक लच्छीराम अर्की में गांव डिब का निवासी था और वह भगाट कोऑपरेटिव बैंक में अपनी सेवाएं दे रहा था। मेरे को जो है शाम को 7:15 बजे के करीब करीब पता चला कि आपके भाई साहब को गोली मार दी गई। तो जब मैं वहाँ मौके पे गया उनके बेटे को लेके, तो वहाँ कोई भी आदमी जो जिसने गोली मारी थी वो भाग चुका था, और मेरे गांव के दो आदमी थे जिन्होंने हमें पूरी सपोर्ट की और हमारा किसी के साथ ऐसा लड़ाई झगड़े का कोई नहीं। गोली जो है पीछे से मारी गई थी और उनके गर्दन के साथ वाले हिस्से में लगी थी और दूसरे आगे निकल चुकी थी। आगे निकल के छर्रे उनके शर्ट में ही फंसे हुए थे। जंगल भी वही है, साथ ही गांव डीब का ही जंगल है। 10-12 आदमी थे, शिकार खेलने गए हुए थे। मेरे ख्याल जो पहले बीमार होने के बाद जाते नहीं थे, अब पता नहीं कल कैसे क्या हुआ इनको, जो गए हुए थे नहीं जाते थे। घटना पर अधिक जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने बताया कि करीबन 10 लोगों की टोली शिकार पर निकली थी, जिसके एक शिकारी द्वारा दागी गई गोली से शिकार पर निकले एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गोली चलाने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। फिलहाल सबको कब्जे में लेकर शिमला IGMC पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस स्टेशन कसौली में इवनिंग में एक इत्तला प्राप्त हुई, क्षेत्र के अंदर चयाली फॉरेस्ट में कहीं पे गनशॉट फायर हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति एक्सपायर हो गए हैं। तुरंत पुलिस की टीम अंडर SHO मौके पे गई। श्री लच्छीराम जो लोकल निवासी थे, उनको एक एक्सीडेंटल फायर हुआ, उन्हीं के कोई जो ग्रुप के साथ सो कॉल्ड हंटिंग के लिए गए थे एंड ही एक्सपायर ऑन द स्पॉट। पुलिस ने तुरंत साक्षी इकट्ठे करते हुए 304A IPC और 25 आर्म्स एक्ट में FIR दे दी है। इनकी आज IGMC में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, क्योंकि वेपन्स सेल्फ प्रोटेक्शन या क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए इशू किए जाते हैं। अगर ऐसी कोई घटना है जिसमें हंटिंग के लिए यूज हो रही है, दैट इज इलीगल एंड पुलिस विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोस डिफॉल्टर्स। गौरतलब है कि हिमाचल में शिकार पर पूरी तरह से मनाही है, लेकिन लोग फिर भी शौकिया तौर पर शिकार करने जाते रहते हैं और थोड़ी सी चूक से कई बार शिकारी ही शिकार हो जाता है। यही नहीं, इस क्षेत्र में यह इस तरह की पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई शिकारी अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग इन घटनाओं से कोई सीख नहीं लेते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते रहते हैं। जरूरत है कि वह इन घटनाओं से सीख लें और कानून और नियमों की पालना करते हुए अपने अमूल्य जीवन की रक्षा करें।